बैटरी यहाँ पर 0% रेंज 0 आ रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आए हो फैब्रिक्स टू डब्ल्यू स्पाइन। आज अपन करने वाले अपनी आई क्यूब का रेंज टेस्ट कि ये नॉर्मल मतलब इको मोड और स्पोर्ट्स मोड में कितनी चलेगी। तो सबसे पहले अपन ने फुल्ली चार्ज कर लिया है ईवी को, 105 किलोमीटर की रेंज आ रही है, बट ये इको मोड पर है। अभी इको पर 105 चलेगी नहीं चलेगी वो तो आपको इस वीडियो में एंड में पता चलेगा। तो देखो अभी ऑडोमीटर आपको बताया था यहाँ पर 25331.4 किलोमीटर है, मतलब 25,331.4 किलोमीटर अपना ऑडोमीटर है। उसी के साथ रेंज 105 की है ईको पर, पावर पर 75 आ जाती है। बट अपन अभी पावर नहीं करेंगे, ईको रेंज टेस्ट करेंगे। 100% बैटरी, टाइम हो गया 2:10, आज है 11 अगस्त 2024। तो चले बने रहिए। एंड जब जब मैं निकला हूँ ना रेंज टेस्ट करने, उस दिन बारिश हो रही थी और आज भी अच्छी खासी बारिश हो रही है। सुबह से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। और भाई आई क्यूब में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम मुझे जो सबसे ज़्यादा लगती है ना, वो है इसकी सीट। इसकी सीट बहुत अनकंफर्टेबल है। जब आप ओला चलाने लगोगे ना तो इस पर बैठोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी इसको चलाने में, आप बहुत थक जाओगे। और इसके कॉन्स में बता देता हूँ, इसके अंदर अपन को क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता है और ना ही इसका ट्रिप मीटर को रीसेट करने का कोई यहाँ पर स्विच है। आपको फ़ोन के ऐप से करना पड़ेगा, बट वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है उसको करना। उसके अंदर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अभी आ रही है, ऐप अपडेट नहीं हुआ है। तो उसके अंदर वो सारा है ना, कंपनी ने ट्रिप मीटर को रीसेट करने का जो होता है ना सेटिंग, उसको डालना भूल गई है, तो वो भी नहीं हो पा रहा था। तो ये प्रॉब्लम इसमें फेस करनी पड़ रही है यार मुझे। चलो कोई ना, अभी जैसा है ठीक है। क्विक इन्फॉर्मेशन में बता देता हूँ आई क्यूब के बारे में। इको मोड पर ये 52 kmph से ऊपर नहीं जाती है। देन उसी के साथ अगर मैं इसको पावर मोड पर चलाऊंगा तो ये जाएगी 90 किलोमीटर के समथिंग, अप्रॉक्सीमेटली 90 तक चली जाती है इजीली। एंड 10 किलोमीटर जस्ट कंप्लीटेड अपनी यहाँ पर डिस्टेंस टू एम्प्टी, मतलब व्हीकल की रेंज 94 है, बैटरी परसेंटेज 89 है, टाइम हो गया 2:27। दैट इज़ रियली नाइस। और इसकी स्पीड अपन 50 तक मेंटेन कर रहे हैं। बारिश काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। और इस तरफ का नज़ारा भाई, आप क्या नज़ारा है, मतलब पहाड़ों के ऊपर ही बादल समा गए ऐसा नज़ारा है। बट यहाँ का रास्ता कहाँ है आई डोंट नो, बट काफ़ी ब्यूटीफुल है यार, कुछ भी कहो आप। बारिश से बचने के लिए इंडिया में पता नहीं क्या क्या जुगाड़ लगा लेते हैं इन भाई साहब को। देखो बड़ी सी फ्रिज की थैली लगा करके खुद बढ़िया घूमते मज़े से, मतलब जुगाड़ वो होता है ना, इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स, वही वाला सीन है। एंड 21 किलोमीटर जस्ट कम्प्लीटेड, मतलब 1 किलोमीटर ज़्यादा हो गया, मैं भूल गया था बताना, सॉरी फॉर दैट। और अपनी रेंज बची है यहाँ पर 81 किलोमीटर, बैटरी परसेंटेज 77, टाइम हो गया 2:43 PM। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ, अचरोल क्रॉस किया है मैंने, अभी और आगे जाना है मुझे, चंदवाजी तक आई विल गो। देन उसके बाद यू टर्न कर लेंगे अपन, क्योंकि यार दो बार तो मेरे साथ हो चुका है धोखा इस रेंज के चक्कर में। मतलब मैं जब भी होता हूँ ना कि यहाँ प्रिपेयर होता हूँ कि आज तो मैं घर पहुँचूँगा, बट उसी टाइम पर 1 किलोमीटर के अंदर अंदर वो ख़त्म हो जाती है और पूरा धक्का दे करके लेके जाना पड़ता है। एंड अभी चलते रहना है, सफ़र है बहुत लंबा, मौसम है बहुत बढ़िया, और उसी के साथ ऐसा स्ट्रेट रोड मिल जाए तो क्या ही बात। एंड नाउ जस्ट 30 किलोमीटर कंप्लीटेड और यहाँ पर बैटरी परसेंटेज है 67, उसी के साथ 71 किलोमीटर की रेंज अभी भी बाकी है। और नॉर्मली 52 की स्पीड पर अपन क्रूज़ कर रहे हैं, क्रूज़ कंट्रोल तो है नहीं, बस पकड़ के बैठे थ्रॉटल को, 52 पर ही चल रही है। उसी के साथ 2:58 हो चुका है अभी टाइम, मतलब ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली अभी तो इसको टेस्ट करने में, क्योंकि ये बहुत लंबी चलने वाली है भाई। अभी 70 किलोमीटर दूर है, अभी 30 किलोमीटर ही मैंने कंप्लीट करे जस्ट। एंड नाउ हाफ सेंचुरी इज जस्ट कंप्लीटेड, यानी 50 किलोमीटर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। रेंज 47 किलोमीटर की अभी भी बच रही है, उसी के साथ 44% यहाँ पर अपनी बैटरी बची है। एवरेज स्पीड जैसा कि बता रहा हूँ कि 50-52 पर मैं चल रहा हूँ, पूरा थ्रॉटल खींच के ही चल रहा हूँ मैं। टाइम हो गया 3:28, मतलब इसको थोड़ा कवर करने में बहुत टाइम लग गया, आई डोंट नो व्हाई। भाई मुझे लगता है ना कि ये 90 प्लस ही जाएगी, इसका जो रेंज निकल के आएगा ना, जो इसका माइलेज या एवरेज बोलोगे ना बैटरी का, वो 90 प्लस ही जाएगा। फिर भी देखते हैं कितना फ्लैक्चुएट होता है इसका रेंज। एंड नाउ 80 किलोमीटर जस्ट कंप्लीटेड, बैटरी यहाँ पर अपनी 9% बची है, डिस्टेंस टू एम्प्टी यानी रेंज 10 किलोमीटर की आ रही है, टाइम हो गया है 4:20। और देखते भाई अभी कितना और चलने वाली है, क्योंकि मैं इधर इधर ही घूम रहा हूँ, इसकी रेंज पूरी ख़त्म करनी है। जब 5% होगी ना इसकी रेंज, मतलब बैटरी परसेंटेज जब 5% होती है, तब ये पूरा यहाँ पर रेंज एम्प्टी होती है, मतलब कुछ नहीं दिखाता यहाँ पर, कितना शो होता है कुछ नहीं, फिर उसके बाद का भी आपको पता चलेगा। अभी देखो रीजनरेटिव भी इसका काम करना बंद कर दिया है, बैटरी आई तो उसके बाद यहाँ पर रेंज गायब हो चुकी है, बैटरी का साइन आ रहा है। और अभी
ये भी अपनी बाइक चली थी 80 किलोमीटर, उसके बाद 3 किलोमीटर और चलने के बाद ऐसा कुछ हो रहा है 83 किलोमीटर अभी कम्प्लीट हो चुकी है, 83-84 किलोमीटर एंड नाउ अभी सिर्फ बैटरी 8% बची है और मतलब मैं पहुँचने वाला हूँ यार ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादा है और यहाँ पर बैटरी हो चुकी है ज़ीरो, फिर भी अपनी ईवी चलती है यार, दिस इज़ रियली गुड। तो नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा ऑडोमीटर 25,417.7 का ऑडोमीटर आ गया, मतलब अपन ने चला लिए 86-87 किलोमीटर अपनी ईवी चली है, बैटरी यहाँ पर 0% है, रेंज 0 आ रही है, बट फिर भी इसकी अच्छी बात है कि आप अच्छे से चला सकते हो, मतलब जीरो पर भी ये चल रही है, दिस इज़ रियली गुड। तो देखो कंक्लूजन ये निकला है कि जो आई क्यूब है वो 86-87 किलोमीटर चल जाती है इको मोड पर, जो कि बहुत अच्छा है, मतलब ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, अगर आप मतलब इस पर ट्रस्ट कर सकते हो टूली रेंज 87 निकल कर आई है। एंड आई होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अभी बाइक को लगाते चार्ज, मतलब इसको जीरो कर दिया अपन ने, बैटरी को तो चार्ज होने में भी काफ़ी टाइम लगने वाला है अभी, तो चलिए इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, गुड आफ्टरनून, क्या लगे।